हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसे आपको नॉलेज मिला होगा, और अगर कुछ उस वीडियो में समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, फिर से आप एक नया वीडियो बनाइए, या कुछ अगर आपका टॉपिक है कन्फ्यूजिंग वाला तो आप उसको बोलिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीड रेट और स्पिंडल स्पीड का, क्योंकि शुरू में हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ रहता है, VC क्या रखे, कटिंग स्पीड, फीड कितना रखे, स्पिंडल का स्पीड कितना रखे, डेप्थ ऑफ कट कितना रखे, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं शुरू शुरू में। जब तक आप साल दो साल काम नहीं करेंगे एज ए प्रोग्रामर तब तक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, और ट्रेनिंग में हम लोग उतना क्लियर समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा सिंपल वे में, आप लोग तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे वीडियो में आपको एकदम किताबी भाषा समझा दिया जाता है तो आप उसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल भाषा समझाऊँगा, बस दो तीन पॉइंट, सीधा सीधा बात है, ज़्यादा हम लोगों को आर्यभट्ट बनने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं, अब तो फिर काम करना है। तो सीधा सा एक मेन फॉर्मूला होता है यहाँ पे VC, यहाँ पे ये कटिंग स्पीड VC इक्वल टू पाई DN बाई 1000। इसमें VC क्या है, VC है कटिंग स्पीड, इसका यूनिट मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना मीटर वो आपका कटिंग टूल मटेरियल को रिमूव करते हुए जाता है उसको हम लोग बोलते हैं VC, कटिंग स्पीड। D है आपका वर्क पीस का डायामीटर जो MM में रहता है, ठीक है, और N है आपका स्पिंडल का स्पीड जिसका यूनिट होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना रोटेट वो कर रहा है स्पिंडल उसको रोटेशन पर मिनट बोलते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं S 100, ठीक है, मतलब एक मिनट वो आपका स्पिंडल 100 रोटेट करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ से हम लोग इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, तो N अगर हमको निकालना होगा स्पिंडल स्पीड तो क्या होगा, VC इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई पाई डी इंटू N, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसको मैं ये VC 1000 और पाई और N हटा दूँ, N नहीं है, ये आपका पाई डी है, ठीक है, पाई इंटू डी। तो अगर मैं VC 1000 और पाई हटा दूँ तो N इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब अगर डायामीटर आपका बढ़ेगा तो स्पिंडल का स्पीड घटेगा, अगर डायामीटर आपका कम होगा तो स्पिंडल का स्पीड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है ना कि अगर एक में अगर ज़्यादा बड़ा संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगा, और अगर D को छोटा रखेंगे तो एक में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा बड़ा आएगा, तो स्पिंडल की स्पीड ऐसे आता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक डाया हम लोग ले लेते हैं 100 का, 100 के डाया के लिए हम लोग N आपका स्पिंडल की स्पीड देखते हैं, और VC हम लोग क्या रख लेते हैं, VC 180 का रख लेते हैं, मीटर पर मिनट, ठीक है ना, ये हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इस पे 100 के डाया पे कितना स्पिंडल स्पीड होता है, और एक हम लोग 50 का डाया ले लेते हैं उसमें स्पिंडल की स्पीड कितना होता है। तो 100 का अगर लेते हैं हम लोग तो क्या हो गया, VC हम लोग कितना है 180 है, 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22/7 ही लेंगे, बहुत लोग 3.14 लेते हैं वो भी चलता है, इसमें तो ज़्यादा हम लोग को एक्यूरेसी चाहिए नहीं, तो 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन 22/7 ज़्यादा बेटर होता है। और डायामीटर कितना है हम लोग का 100, तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली आता है, मैं कैलकुलेट करके पहले से रखा हूँ, टाइम बचे इसलिए, ये आता है 572 RPM ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर मैं डाया 50 के लिए मैं अगर N का कैलकुलेशन करूं तो कितना, VC 180 पे सेम VC कटिंग स्पीड जो है सेम अगर रख करके डाया चेंज करता हूं तो कितना आ जाएगा, 22/7 × 50, ये ऑलमोस्ट आएगा, इसके डबल आता है, कितना है 1145 RPM। तो आप देख लीजिए डाया अगर 100 रखा मैंने तो स्पिंडल स्पीड कितना हो गया, कम हो गया, और अगर डाया को मैं उसको और कम कर दिया तो स्पिंडल स्पीड बढ़ गया, मतलब डाया जितना बड़ा होते जाएगा स्पिंडल का स्पीड कम होते जाएगा, ठीक है ना, और डाया जितना छोटा होते जाएगा स्पिंडल का स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्या है थ्योरी कि अगर आपको फिनिश ज़्यादा अच्छा रखना है तो स्पिंडल का स्पीड आप हाई रखिए और फीड रेट कम रखिए, जितना धीरे धीरे टूल आपका बढ़ेगा उतना ही मटेरियल को अच्छे से रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो अगर हाई फिनिश लेना है
हाई फिनिश लेना है तो क्या रखेंगे, स्पिंडल स्पिंडल स्पीड ज्यादा और फीड आपका कम, ठीक है, ये जरूर रखेंगे अगर आपको फिनिश ज्यादा अच्छे से लेना है तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो अपने से डिसाइड कर लिया कि VC 180 ले लेंगे, लेकिन हमको ये VC मिलेगा कहाँ से, VC निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, स्पिंडल स्पीड तो दिया नहीं है और डायामीटर, इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमको डायामीटर डिसाइड होता है कि भाई कितना वर्क, कितने डाया के वर्क पीस पर काम करना है। तो VC कहाँ मिलेगा, हम लोग का जब इंसर्ट का जो डब्बा रहता है ना, इंसर्ट का डब्बा, उसके पीछे में ये जो इंसर्ट बनाने वाली कंपनी है वो ऑलमोस्ट ये इतना पैरामीटर वो हम लोग को देती है। क्या देती है, फीड देती है, फीड लोअर और अपर लिमिट का फीड देती है, भाई हमारा जो इंसर्ट है इतना फीड में अच्छा काम करेगा, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना आपको रखना है। फिर VC दिया रहता है, ये देखिए मैं एक लिखा हूँ इंसर्ट का है, CNGA 12004 का इंसर्ट है CNGA का, ठीक है, उसका ये आपको पैरामीटर दिया हुआ है, डब्बा के पीछे दिया रहता है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा याद करने, इस फील्ड में याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो, आप एक प्रोग्रामर अगर बनते हैं तो आपको कंपनी ऑलमोस्ट हर चीज़ वो प्रोवाइड कराती है जिससे आप प्रोग्राम बनाएंगे और क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। बाकी ये सब दिया हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये क्या है कि मटेरियल जो है वर्क पीस का जो मटेरियल है उसके हिसाब से इंसर्ट का भी मटेरियल होता है, मटेरियल ग्रेड जो होता है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मटेरियल ग्रेड के बारे में बताएंगे कि कब किस मटेरियल के लिए कौन सा इंसर्ट ग्रेड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए स्टील के लिए, स्टील का P होता है, ठीक है ना, के लिए कास्ट आयरन के लिए K का होता है। तो आप जब भी शॉप पे जाएंगे, आपका मटेरियल जैसे कास्ट आयरन का है तो आप शॉप पे जाके बोलेंगे भाई मुझे कास्ट आयरन का ग्रेड का ही इंसर्ट दो, ठीक है। तो वो आपको डब्बा के पीछे में कंपनी जो बनाता है इंसर्ट, ये सारा पैरामीटर ऑलमोस्ट दिया रहता है। देखिए इसमें क्या, AP क्या है, AP होता है डेप्थ ऑफ कट, AP क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है ना, मतलब यही ईच कट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 का वर्कपीस है, 100 का डाया का वर्कपीस है और हमने उसको एक बार में 3 mm कम कर दिया, जैसे 100 का डायामीटर है उसको एक बार काटे तो 97 डाया हो गया, तो अब उसमें डायामीटर कितना कम हुआ, 3 mm, लेकिन वो देव तब कट नहीं हुआ। देव तब कट क्या होता है, जो जितना डायामीटर हम लोग कम किया उसको आधा कर दो, क्योंकि CNC में क्या होता है, CNC में क्या होता है, ये आधा आधा काम करता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ का डाया आपका 100 था, ठीक है ना, आपने कट करके डाया बना दिया कितना, 97 का। तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, ठीक है ना, यही गैप जो होता है हम लोग AP बोलते हैं। तो कितना हो गया, 97 का 3, डाया कितना कम हुआ, 3, तो उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे कितना, 1.5, यही 1.5 आपका डेप्थ ऑफ कट हुआ, मतलब ईच कट, ठीक है ना, वर्कपीस में कितना कम हुआ, 1.5 रेडियस में, डायमीटर में कम, कितना कम हो गया, 3 mm, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ कट हमेशा क्या होता है, जितना भी आप एक बार में डायमीटर कम करते हैं उसको आधा से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका ईच कट हो गया। तो बात हम लोग करते हैं VC का, ठीक है, तो ये VC आपको दिया रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लिमिट दिया है, एक लोअर लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट, फीड में भी 2 लिमिट दिया है, एक लोअर लिमिट और एक मैक्सिमम। AP में देखिए, दो बहुत सारा इंसर्ट बनाने वाला कंपनी AP में AP का वैल्यू देता भी है, नहीं भी देता है, कोई कोई कंपनी 2 वैल्यू देता है, एक फिनिशिंग के लिए और एक रफ के लिए, ठीक है ना, 2 वैल्यू दे दिया। तो उसमें ही आपको डिसाइड करना, आप बोलेंगे सर मैं कौन सा रखूँ, तो मटेरियल ग्रेड आपका क्या है, कौन सा मटेरियल है, उसके हिसाब से आप रखिए। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज है तो इन दोनों का क्या करता है, एवरेज निकाल लेना है, इन दोनों का एवरेज निकालिए, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ही लगा दीजिए जनरली। उससे क्या फायदा है कि एवरेज वैल्यू आप लगाएंगे, जैसे एवरेज वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। एवरेज वैल्यू में क्या होगा कि जैसे आप कभी काम कर रहे हैं तो कंपनी में प्रेशर आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो उस एवरेज में क्या करेंगे, अगर आप मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम जैसे फीड आपने 0.5 ले लिया, मैक्सिमम ही है, अब उसे आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो या तो चैटरिंग आएगा या रफनेस आएगा, ठीक है, या फिर आपका इंसर्ट का जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा। तो आप तो पहले ही मैक्सिमम रख लिए और आपका मैनेजर आके बोल दिया भाई आज प्रोडक्शन बढ़ा दो, बहुत जरूरी है,
अब कहाँ से भरेंगे, आपके पास तो स्पेस नहीं बचा है। तो क्या करता है प्रोग्रामर कि इन दोनों का एवरेज लेके चलता है, ठीक है, एवरेज ले लिया। अगर कभी आपको प्रोडक्शन का प्रेशर आ भी गया तो आप एवरेज में थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो आपका क्या होगा, सरफेस फिनिश खराब नहीं होगा, मटेरियल आपका उसमें भी स्मूथ चलते रहेगा और लाइफ भी बढ़ता है। तो एक प्रोग्रामर के कंधे पे बहुत सारा प्रेशर रहता है, साइकिल टाइम भी कम रखना है, प्रोडक्शन भी बढ़ा के रखना है, इंसर्ट का लाइफ भी बढ़ा देना है। अगर आप फीड बढ़ाएंगे तो इंसर्ट का लाइफ कम होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो सारा चीज़ आप ही को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ये डब्बा के पीछे दिया जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली आप जैसे साल दो साल काम करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा तो कितना रखना है, तो उसमें देखने का बहुत लोग देखता भी नहीं है, जनरली डालना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उठा लेंगे, तो यहाँ से हम बता दिए कैसे एवरेज ले लेना है, एवरेज पे काम करना है, ठीक है। अब बात आता है कि G97 एंड G96, ठीक है ना, ये है आपका कांस्टेंट स्पीड कैंसिलेशन, और ये कांस्टेंट सरफेस स्पीड, ठीक है। अब बात आता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही दो चीज में होता है कि हम कब G97 का इस्तेमाल करें और कब G96 का इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर रहता है। तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ सिंपल सा भाषा में, G97 वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको RA वैल्यू का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। RA वैल्यू आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो हम G97 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे RA वैल्यू दिया हुआ है जैसे या स्टेप में है, जैसे हमको ऐसे स्टेप बनाना है, ठीक है, ये हमको स्टेप बनाना है, और ये तीनों जगह RA वैल्यू आपका ऑलमोस्ट सेम दे दिया है, ठीक है। अब अगर 97 का इस्तेमाल करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे डाया कितना है, डाया है मान लीजिए ये 100 का है, और यहाँ पे डाया है आपका मान लीजिए ये 50 का है। तो यहाँ के हिसाब से अगर आप स्पीड देंगे 97 के साथ तो RA वैल्यू कुछ और आएगा, 50 के डाया पे आप देंगे तो स्पिंडल का स्पीड कुछ और आएगा, तो RA वैल्यू बदल गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, G96 का इस्तेमाल करते हैं। और G96 क्या है, ये इसके साथ क्या आता है, G50 भी आता है, ये राम लक्ष्मण का जोड़ी है, ये जब भी चलेंगे तो एक साथ ही चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये है बे लगाम बुरा, इसके लिए एक लगाम देना जरूरी है, G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। तो इसमें हम लोग क्या रख लेते हैं, G50 का कैलकुलेशन कैसे होता है, यहाँ पे G50S मान लीजिए हम लोग रख दिए 2500, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं G96S रख दिए आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ का एवरेज स्पीड निकाल लिए हैं तो 220 आ रहा है, तो 220 हम लोग अपना दे दिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा मान लीजिए यहाँ का DC हम लोगों ने लिया है 220, ठीक है ना। अब ये डिसाइड होगा हमको कहाँ पे, यहाँ पे हमारा लोअर डाया कितना है, लोअर डाया 50 है, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में BC = πDN/ कितना रख लेंगे, कितना 1000, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग VC हमको मिल गया, डायमीटर मिल गया है, अब ये हम लोग ये इसका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कितना आ रहा है एम, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना, और उसके हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे वो लिमिट, क्यों, क्योंकि उस लिमिट को क्रॉस मान लीजिए किसी मशीन का, इसको मिटा दें, ठीक है ना, क्रॉस मिटाते हैं, मान लीजिए किसी मशीन का जो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है आपका 3000, ठीक है, 3000 है, और यहाँ पे आते आते आपको अब डाया कम हो गया है, तो अब ये स्पिंडल का स्पीड यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है कितना, 3500 आ रहा है, तो ये तो मिलेगा नहीं ना, ये तो स्पीड, ये जब टूल कटिंग करते करते इस डाया पे आएगा तो ये अचीव करना चाहेगा, लेकिन हमारा इतना ही है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, आपका क्या होगा, सरफेस खराब होगा, फिनिश। तो इसलिए क्या है कि हम लोग यहीं पे लिमिट हम लोग क्या दे देंगे भाई, कि 3000 से ज़्यादा तुमको नहीं चलना है, ठीक है ना, चाहे कोई भी डाया हो जाए, कितना भी कम डाया हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर इस डाया में हम लोग डालेंगे, अगर यहाँ पे डायामीटर जैसे हम लोग फेसिंग करते समय हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं G50 और G96, अगर लिमिट इसमें हम लोग नहीं डालेंगे तो यहाँ डाया फेसिंग करते समय डाया क्या होता है, X00 पे हम लोग आते हैं, तो डाया जीरो हो गया, तो अगर यहाँ पे डाया का वैल्यू जीरो डालेंगे और तो क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, एम कितना हो गया डाया अगर जीरो डालेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, तो हमारे मशीन में तो उतना स्पीड ही नहीं है,
इसलिए हमको लिमिट देना जरूरी है। तो लिमिट कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूला में डाल करके ये एन का स्पीड निकाल लेंगे डायरा के हिसाब से। बीसी तो आपको यहाँ डब्बा के पीछे मिल गया, ठीक है ना, उसके हिसाब से स्पीड हम लोग निकाल लेंगे और वो वही यहाँ पे G50 में डाल देंगे। उसके बाद जो कटिंग स्पीड हमने डिसाइड किया 220 का, तो यहाँ G96S220 डाल देंगे। ठीक है, आप समझ गए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये बात यहाँ यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बस एक ही मेन फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से एक ड्राइव होता है, कौन सा, स्पिंडल का स्पीड, ये एम, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी सी इंटू 1000 बाई पाई टी, ठीक है ना। यही दो फॉर्मूला है, इसी से आप निकालते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है ना, यही दो फॉर्मूला है। तो आप देख लीजिए, अब आपको फीड कितना रखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा डब्बा उठाइए। आप प्रोग्रामर हैं, आप बोलेंगे कि ये डब्बा कहाँ मिलेगा, एक प्रोग्रामर को कंपनी हर चीज़ देता है, डब्बा भी देता है, ठीक है ना। आप अगर मटेरियल ग्रेड का चार्ट लेना चाहें तो कंपनी वो भी प्रोवाइड कराएगा, नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट दीजिए, मैं आपको दे दूंगा डाउनलोड करके, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ प्रोवाइड है। एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हमको नहीं आता है, ये कभी नहीं बोलना है, इंटरनेट पर हर चीज़ मिलेगा। तो ये डब्बा के पीछे आपको दिया रहता है, यहीं से आप डिसाइड कीजिए हमको कितना फीड, कितना वीसी और कितना एपी रखना है। हाँ, किसी किसी डब्बा में ये एपी का वैल्यू नहीं दिया है, डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट कैसे डिसाइड करेंगे, डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए मैं छोटा सा भाषा बता देता हूँ। जो नोज रेडियस होता है, डेप्थ ऑफ कट कैसे डिसाइड, नोज रेडियस, नोज रेडियस कितना है। बहुत लोग दो तरह से डेप्थ ऑफ कट डिसाइड करते हैं, एक तो नोज रेडियस से और दूसरा होता है आपका ये इंसर्ट का जो साइज है, लेंथ, इसमें लेंथ कहा है, इंसर्ट का लेंथ ये वाला, ठीक है ना। और नोज रेडियस ये है तुम्हारा लेंथ एल, और ये है आपका 08 नोज रेडियस आर, एन आर नोज रेडियस, 0.8 मतलब 8 एम एम नहीं, 0.8 इतना, 0.8 एम, ठीक है ना। तो 0.8 mm रेडियस हुआ, तो हम लोग प्रोग्राम तो डायमीटर में लिखते हैं, तो हमारा डायमीटर में कितना हो जाएगा, कितना कम करेंगे सीधा, अगर ये 8 का है तो डायमीटर कितना कम हो जाएगा, 1.6, अगर 8 का नोज रेडियस है एन आर है तो डायमीटर में कितना कम हो गया, ये 1.6 का कमी करेंगे, ऑलमोस्ट 2 mm, एटलीस्ट हम लोग 2 mm मिनिमम कट, देखो यहाँ पे दिया है ना 2 mm, 0.8 के हिसाब से 2 mm मिनिमम कट ले सकते हैं, और मैक्सिमम कितना लेंगे, 5 mm। अब ये बोलोगे 5 mm कहाँ से आया, ये 5 mm यहाँ से है, ठीक है, इसका जो आधा रहेगा ना, आधा, ऐसे तो आधा चलता है 12 के हिसाब से 6, लेकिन हम लोग मैक्सिमम कभी नहीं लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर्कपीस का डेंसिटी होता है मटेरियल का ना, कम ज़्यादा होता है, तो अचानक से डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा आ गया तो इंसर्ट आपका खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको आधा से कम थोड़ा सा लेते हैं, ऑलमोस्ट तीसरा हिस्सा हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस अपने हिसाब से लेके चला जाता है, लेकिन जनरली अगर ये आप लेके चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नोज रेडियस का डबल, डायमीटर में डबल कम कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका डेप्थ ऑफ कट डिसाइड हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा एपी का वैल्यू, एपी का वैल्यू अगर डब्बा के पीछे नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नोज रेडियस से डिसाइड करेंगे कि डायमीटर एक बार में ईच कट कितना होगा, तो 0.8, तो डायमीटर में कितना, 1.6, तो ऑलमोस्ट 2 mm चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ कि आपका ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर कुछ और कन्फ्यूजन आ गया होगा तो आप कॉमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए भी एक नया सा वीडियो बना दूंगा। और ये फीड रेट और स्पिंडल स्पीड आप समझ के, ज़्यादा उसके डिफिनीशन में नहीं जाना है, डिफिनीशन जानने से किताबी भाषा का डिफिनीशन कि ये पर मिनट ऐसे मटेरियल रिमूव करेगा वैसे करेगा, वो कुछ फायदा नहीं है, इंटरव्यू में वो सब पूछता भी नहीं है कि डिफिनीशन बताओ, डिफिनीशन कंपनी को उसको क्या मतलब है, आपको डिफिनीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप काम करके दे रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्शन दे रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स इट, खत्म कहानी, कंपनी आपको सैलरी दी है, डिफिनीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसे क्या मतलब है, डिफिनीशन तो स्कूल कॉलेज में चलता है, कंपनी में डिफिनीशन से मतलब नहीं है, कंपनी को तो मतलब है कि बस आपको आता है कि नहीं, इंटरव्यू में आपसे पूछा, आपने बताया ठीक, नहीं बताया तो अब
ठीक है, डिफिनेशन आते भी रह जाएगा, प्रोग्राम लिखने नहीं आएगा तो क्या फायदा है, ठीक है ना। तो ये छोटा वीडियो आप देखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आर ए वैल्यू, ठीक है ना, रफनेस वैल्यू, आर ए वैल्यू, आर ए, इसमें सबसे ज्यादा लड़कों को कंफ्यूजन होता है आर ए वैल्यू, ये वाला आर ए वैल्यू है, ठीक है, ये कैसे मेंटेन करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, कब कितना रखेंगे। आर ए वैल्यू डिपेंड सबसे ज्यादा किस पे करता है, बहुत लोग बोलते हैं कि आर ए वैल्यू नोज रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आर ए वैल्यू फीट पे डिपेंड करता है, आप फीट कितना रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में आर ए वैल्यू पे ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको कि आर ए वैल्यू निकालने के लिए, आर ए वैल्यू अगर मान लीजिए 3.2 दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना हम फीट रखेंगे, नोज रेडियस क्या रहेगा, नोज रेड कुछ भी रखिए हमको कोई मतलब है, आप 1.2 का हमको दे दीजिए, 0.8 का दे दीजिए, 0.4 का दे दीजिए, मैं उसके हिसाब से फीट कम कर लूँगा, ज़्यादा कर लूँगा, जितना ज़्यादा आपका नोज रेडियस बड़ा रहता है फीट भी उतना ही बढ़ते जाता है, ठीक है। और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्लियर करूँगा कि आर ए वैल्यू क्या रखना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यही शिकायत है मेरी, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप एक छोटा सा, मैं आपसे जमीन जायदाद नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, आप छोटा सा बस लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपका कंपनी में भी काम करें या बिजी है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें कि भाई देखो अच्छा वीडियो है, सीधा सारा साफ सुथरा वीडियो है, बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत सारा ट्वीट कर बस किताबी भाषा डिफिनेशन दे देना है, उससे क्या मतलब है पढ़ने से, सीधा सीधा हमको तो भाई हमको क्या चाहिए, हमको बीसी चाहिए, बीसी आपको डब्बा के पीछे दे दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना देर से कंफ्यूज थे बीसी क्या रखेंगे, फीड कहाँ से लाएंगे, एपी वैल्यू क्या, यहाँ पे डिब्बा के पीछे सब दिया है, कंपनी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। हमको ज्यादा दिमाग याद वही रखना है जो किताबों में जल्दी ना मिले, ठीक है ना, हम वही चीज़ अपने दिमाग में याद रखेंगे, बाकी अनर्गल बात याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे वो कैसे, एन का वैल्यू कहाँ से, इसी बीसी से एन का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस एन के वैल्यू से देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर डायमीटर ज़्यादा है तो स्पिंडल स्पीड कम रखेंगे। हाँ, अब मैं बताना भूल गया था कि G97 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, G97 का इस्तेमाल वहीं करेंगे जहाँ पे सरफेस फिनिश का हमको हेडेक नहीं है, जैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं तो डायमीटर तो चेंज हो नहीं रहा है, फिक्स डायमीटर, तो वहाँ पे हम G97 का इस्तेमाल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि G96 का इस्तेमाल करेंगे तो डायमीटर, तो जब ड्रिल करते हैं तो डायमीटर H0.0 पर लगाते हैं हम लोग ड्रिल को, तो जब डाया जीरो हो जाएगा तो आपका क्या होगा, स्पिंडल स्पीड इनफाइनाइट होगा, और मशीन में तो लिमिट है ना, 3000 RPM, 4000 RPM मैक्सिमम, इसी में 6000 RPM, 8000 RPM, उससे ज़्यादा तो मशीन जाएगा नहीं, नट बोल्ट खोलना शुरू करेगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे करेंगे, या फिर हम लोग थ्रेड जब काटते हैं, थ्रेड बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग G97 का इस्तेमाल करते हैं, G96 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये G97 का इस्तेमाल बस दो तीन जगह ही होता है, ड्रिल के समय, टेपिंग के समय, टैपिंग जब कर रहे हैं उस समय भी G97 फिक्स हमको चाहिए स्पिंडल स्पीड, थ्रेड जब बना रहे हैं उस समय भी G97 का ही, आप बहुत सारा वीडियो थ्रेड का देखिए वहाँ पर G97 ही लिखा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमको सरफेस फिनिश का जरूरत नहीं है, वैसे वैसे कंडीशन में G97 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेसिंग आप कर रहे हैं तो G96 जरूर करेंगे, क्योंकि फेसिंग में अपर डाया से 0.0 पे आया जाता है, तो वहाँ पर डायमीटर तो हर टाइम बदल रहा है, तो और सरफेस फिनिश हमको ऑलमोस्ट बराबर रखना है, इसलिए G96 का इस्तेमाल जरूर करना है दोस्तों, फेसिंग के टाइम में G97 मत लिखना, लिख दोगे तो अब बोलोगे सर हम तो लिख दिए थे कट गया, कटेगा, हम कहाँ बोलेंगे नहीं कटेगा, तुम तो आरी से भी काट दोगे, सीएनसी का जोड़ती ना है, तो लेकिन कटेगा, उसमें आपको फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चैक्टिंग आ जाएगा, खुरदुरा टाइप दिखेगा, दूर से चिकनाहट नहीं दिखेगा, इसलिए फेसिंग में G96 या फिर ऐसा स्टेपिंग आ रहा है या फिर प्रोफाइल का काम हो रहा है, जैसे प्रोफाइल आपका ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, तो ये प्रोफाइल है, इसमें भी हम लोग G96 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग डायमीटर है, अलग अलग डायमीटर पे एक ही ट्यूब काम कर रहा है, तो हम लोग G96 का इस्तेमाल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब